नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु। इस वीडियो के माध्यम से मैं सर्वे इंजीनियरिंग का 1 to 20 क्वेश्चन को डिस्कशन करने जा रहा हूँ, जो कि एसपी गुप्ता का। चलिए चलते हैं क्वेश्चन के तरफ। क्वेश्चन वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल इज द लार्जेस्ट वन। इनमें से कौन सा स्केल सबसे बड़ा है? आपको इसमें चूज करना है कौन सा स्केल सबसे बड़ा है। चलिए इसके चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सारे के सारे वैल्यू को रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। यहाँ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन मैप के डिस्टेंस और जमीन के डिस्टेंस का रेशियो है। आप रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इसे कर सकते हैं। यहाँ मैप का डिस्टेंस है, मान लिया जाए मैप का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है, तो ये जो है ग्राउंड पर ये जो होगा 42,000 होगा सेंटीमीटर। यदि मैप पर 1 mm होगा तो ग्राउंड पर 42,000 mm होगा। तो यूनिट जो लेफ्ट साइड में यदि रखेंगे वही राइट साइड में रखेंगे, उस आधार पर हम कह सकते हैं कि पेपर पर जो है डिस्टेंस मेरा ये होगा और ग्राउंड पर डिस्टेंस मेरा ये होगा। यहाँ दोनों तरफ के वैल्यू को यूनिट में चेंज करते हैं। यहाँ वैल्यू सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, दोनों तरफ के यूनिट यहाँ सेम होंगे। वैसे यहाँ हम जो भी होगा उसे सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 50 मीटर को अब सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 5,000 सेंटीमीटर होगा। या तो फर्स्ट ऑप्शन में आप 1 सेंटीमीटर रेशियो 5,000 सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर कोई मायने मतलब नहीं रखता है, इसलिए रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन जो होगा 1:5,000 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड वाले ऑप्शन बी 1:42,000, ये ऑलरेडी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में है। थर्ड ऑप्शन सी 1/3 लाख, यदि इसे रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1:3 लाख होगा। अच्छा, अब जो है यहाँ पर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 किलोमीटर, मतलब पेपर पर अगर मैप में 1 सेंटीमीटर है डिस्टेंस देखते हैं तो ग्राउंड पर वही डिस्टेंस 50 किलोमीटर है। तो अब ये तो सेंटीमीटर में है, अब इसको जो है हमको सेंटीमीटर में चेंज करना होगा। तो इसके लिए 50 × 1000 ये मीटर के लिए, और ये फिर 100 से गुना होगा सेंटीमीटर के लिए, तो ये 5 लाख सेंटीमीटर हो गया। तो इसलिए रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इसके जो होगी 1:5 लाख हो गई। आगे बढ़ते हैं। अब जो भी मैंने रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन निकाला, अब उसे समरी में देखते हैं। ए में जो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन आया था 1:5,000 आया था, बी ऑप्शन में जो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन आया था 1:42,000 आया था, सी में जो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन आया 1:3 लाख आया, और डी में जो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन आया 1:50 लाख आया। यहाँ हम लोगों को यह पता है फ्रैक्शन में यदि डिनोमिनेटर ज्यादा होगा तो वैल्यू कम होगी, और डिनोमिनेटर कम होगा तो वैल्यू ज्यादा होगी। इसे समझने के लिए सपोज यदि हम बात करें 1/2 और 1/4 की, तो इसमें से अगर कोई पूछे कि ज्यादा कौन है, बड़ा वैल्यू कौन है, तो ऑब्वियस सी बात है 1:2 बड़ा है।
यहाँ पर डिनोमिनेटर छोटा है और यहाँ डिनोमिनेटर बड़ा है। तो यहाँ अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को देखें तो 1:5000 ये जो होगी ये इसका वैल्यू इन तीनों की अपेक्षा बड़ी होगी। और हम ये कहें कि ग्राउंड पर जो है ये छोटे से छोटे बारीक से बारीक चीजों को इनकी अपेक्षा ये ज्यादा क्लियर दिखाएगा ये वाला स्केल। तो ये स्केल जो है इन तीनों के अपेक्षा लार्जेस्ट होगा। तो मेरा आंसर जो होगा यहाँ ए होगा। आगे बढ़ते हैं। इफ द प्रोबेबल एरर इन ए सिंगल ऑब्जर्वेशन इज प्लस माइनस 0.04 मीटर एंड दैट ऑफ द मीन इज 0.01 मीटर देन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर। यदि सिंगल ऑब्जर्वेशन में प्रोबेबल एरर प्लस माइनस 0.04 मीटर है और मीन 0.01 प्लस माइनस 0.01 मीटर है तो ऑब्जर्वेशन की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं प्रोबेबल एरर सिंगल ऑब्जर्वेशन यहाँ दी हुई है और प्रोबेबल एरर ऑफ मीन दी हुई है। ये दोनों फार्मूला को यदि आप जानते हैं तो इस फार्मूला में दोनों फार्मूला में आप देख सकते हैं E इज इक्वल टू 0. प्लस माइनस 0.675 रूट अंडर समेशन ऑफ वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस 1 और EM इज इक्वल टू प्लस माइनस 0.675 रूट अंडर समेशन वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन ब्रैकेट के अंदर एन माइनस 1। तो ये दोनों जब हम इसमें इससे डिवाइड करते हैं इससे तो आप देख सकते हैं ये 0.675 कैंसिल हो जाएगा आपस में और समेशन ये जो है समेशन भी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा एन माइनस वन कैंसिल हो जाएगा और ये एन माइनस वन कैंसिल होगा। अब यहाँ पर जो है ई एम बाई ई है ई है जरा इसे हम देखेंगे तो ई एम बाई ई में मेरा बच गया 1/n और नीचे में ये इस केस में 1 बच गया। जब इसको सिंप्लीफाई हम करेंगे तो मेरा आप देख सकते हैं ये आएगा। अब इसमें जो है ई एम और ई की वैल्यू जो मेरा क्वेश्चन में है हम इसमें यदि डालते हैं तो एन का वैल्यू एन मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है मेरा 60 आएगा। यहाँ आप देख सकते हैं हर सिंबल का अपना एक अलग मतलब होता है। जैसे इसी फार्मूला को यदि आपको में है कि जानने की इच्छा है कि इसके अंदर क्या क्या है जैसे सपोज प्रोबेबल एरर ऑफ सिंगल ऑब्जर्वेशन में भी जो है मेरा एक्स माइनस एक्स बार है यहाँ एक्स ऑब्जर्व मेजर वैल्यू ऑफ क्वांटिटी है और एक्स बार मीन वैल्यू है और यहाँ एन नंबर ऑफ मेजरमेंट्स है। ओके तो यहाँ जो राइट आंसर जो होगा वो 16 होगा। आगे बढ़ते हैं। थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी जो होता है थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी किन पर लागू होता है। प्रोबेबिलिटी का मतलब है संभावना से भावना।
प्रोबेबिलिटी थ्योरी रैंडम इवेंट के स्टडी से संबंधित है। एक्सीडेंटल एरर, एरर विभिन्न कारणों का कॉम्बिनेशन है और इन एरर में सर्वे का कंट्रोल नहीं होता है। एरर निगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी हो सकते हैं। चेन के कैलिब्रेशन का एरर भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है। कम्युलेटिव एरर, ये किसी ये ऐसी एरर है जो एक ही डायरेक्शन में होता है और धीरे धीरे लेंथ मेजरमेंट के साथ एक्चुअल मेजरमेंट्स से ये ज़्यादा बढ़ जाता है या फिर ज़्यादा घट जाता है। कम्युलेटिव एरर लेंथ ऑफ लाइन के प्रोपोर्शनल होता है और यह पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव कम्युलेटिव एरर, ये वे एरर है जो मेजर लेंथ को वास्तविक से अधिक बनाती है, इसलिए मेजर्ड लेंथ से एरर घटाकर एक्चुअल लेंथ ज्ञात की जाती है। इसमें क्या होता है कि चेन का लेंथ जो है पॉजिटिव कम्युलेटिव एरर में चेन का लेंथ जो है छोटा मतलब होता है, तो ये जो चेन का लेंथ हम ये जो है इन कारणों से छोटा हो सकता है। देखते हैं ये एरर इन कारणों से हो सकता है, जब चेन की लंबाई स्टैंडर्ड लेंथ से कम है तो ये मैं इट मींस चेन का लेंथ छोटा है। जब चेन का लिंक का बेंड हो, लिंक बेंड होगा तो चेन की लंबाई छोटी होगी। लिंक्स में नॉट्स हो, चेन को कलेक्ट करने के दौरान रिंग हट गई हो, रिंग्स को कीचड़ से दब गया हो रिंग्स, तो इन सारे केस में चेन छोटा होगा। स्लोप के साथ मापी गई लंबाई में स्लोप करेक्शन नहीं हुआ हो, अब स्लोप के साथ मापी गई लंबाई में, तो अगर स्लोप अगर माप रहे हैं तो उस केस में जो है चेन में सैगिंग आ सकती है, तो ये सैगिंग का करेक्शन ना हुआ हो, सैग करेक्शन ना हुआ हो। जब टेम्परेचर स्टैंडर्ड टेम्परेचर से कम हो तो उस समय हम जानते हैं कि चेन जो होता है मेटेलिक का होता है, मेटल का बना होता है, यदि वो टेम्परेचर बढ़ेगा तो चेन की लंबाई में बढ़ेगी, यदि टेम्परेचर घटेगा तो चेन की लंबाई घटेगी। कम हो, यहाँ देखिए जब टेम्परेचर स्टैंडर्ड टेम्परेचर से कम हो उस समय टेम्परेचर करेक्शन ना हुआ हो और उस समय जो है हमने टेम्परेचर करेक्शन का यूज नहीं किया हो, तो उस समय रेंजिंग उस समय चेन की लंबाई घट सकती है। बैड रेंजिंग, बैड स्ट्रेथनिंग एंड रॉन्ग अलाइनमेंट के कारण निगेटिव और कम्युलेटिव एरर्स, ये कब होता है? जब चेन की लंबाई यहाँ बढ़ेगी तो ये होगा। ये वे एरर है जो मेजर लेंथ को वास्तविक लेंथ से कम बनाती है। अब मान लिया जाए मैंने साइट पर मेजर किया 30 मीटर, 30 मीटर, लेकिन चेन की लंबाई बढ़ जाने के वजह से इतने लेंथ को मेरा मेजर किया 29 मीटर, 900 मेजर किया, तो यहाँ जो है ये 30 मीटर के लेंथ को इसने छोटा बताया, मापी गई लेंथ एरर को, अच्छा इसलिए मापी गई लेंथ में एरर को जोड़कर एक्चुअल लेंथ ज्ञात किया जाता है। इसमें एरर जो है 100 mm होगा, तो जो है इसमें 29 मीटर 900 में 100 अगर जोड़ेंगे तो ये एक्चुअल लेंथ होगा।
तो एक्चुअल लेंथ ज्ञात की जाती है। ये एरर इन कारणों से हो सकती है। पहला, चेन की लंबाई इसकी स्टैंडर्ड लेंथ से अधिक हो। यदि चेन की लंबाई जो है स्टैंडर्ड लेंथ से अधिक हो, जैसा कि मैंने बताया अभी रिंगों को चपटे होने के कारण, अब ये सर्कुलर रिंग है जो सर्किल बना रहा है, अब इसे किसी कारण से ये चपटी हो गई, तो ये लेंथ से बड़ा हो गया ये लेंथ, तो ऑब्वियस सी बात है ये चेन की लंबाई जो होगी बढ़ जाएगी। चेन ज्वाइंट के कारण, चेन ज्वाइंट के कारण भी बढ़ सकती है उसकी लंबाई। दूसरा, जब माप के दौरान टेम्परेचर स्टैंडर्ड टेम्परेचर से अधिक हो। टेम्परेचर यदि कम होता है तो चेन की लंबाई में कंट्रैक्शन होगा। टेम्परेचर यदि बढ़ेगा तो चेन की लंबाई में जो है एक्सपेंशन होगा, जो कि मेटेलिक सब्सटेंस का गुण होता है। इनका टेम्परेचर करेक्शन न हुआ हो, टेम्परेचर से अधिक हो और इनका टेम्परेचर करेक्शन न हुआ हो, उस समय जो है अगर चेन का टेम्परेचर करेक्शन न हुआ हो तो उसमें नेगेटिव कम्युलेटिव एरर होगा। आगे बढ़ते हैं। थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी अप्लाइड फॉर, तो अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो हम ये पाते हैं एक्सीडेंटल एरर ऑफ को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। यह एरर किस कारण से हो सकता है, हम लोग यह नहीं जान सकते हैं एक्सीडेंटल एरर को कि वो एरर किस कारण से हो रहा है, जबकि कम्युलेटिव एरर को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं और हम जानते हैं कि एरर को प्रिडिक्ट जो एरर को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है उसकी प्रोबेबिलिटी होने की हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, इसलिए यहाँ हमारा करेक्ट आंसर ए होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए सर्वे इज कंडक्टेड विथ ए व्यू टू प्रिपेयर द मैप ऑफ एन एरिया ए स्केल 1:1000 इफ ए स्केल विथ लीस्ट काउंट ऑफ 0.1 मीटर mm इज यूज्ड फॉर प्लॉटिंग, व्हाट वुड बी द एक्यूरेसी इन द मेजरमेंट इन द फील्ड। चलिए इसे हिंदी में समझते हैं। एक एरिया को एक मैप से सर्वे किया जाता है जिसका स्केल 1:2000 का है। यदि मैं प्लॉटिंग के लिए 0.1 mm के लीस्ट काउंट वाले स्केल का प्रयोग किया जाता है तो फील्ड में एक्यूरेसी कितनी होगी। 1:2000 का मतलब है 1 mm मैप में लेते हैं, यदि 1 mm मैप में लेते हैं तो उसकी ग्राउंड पर वैल्यू 1000 mm के इक्वल होगा। यहाँ मैप का स्केल 0.1 mm तक मेजर करता है तो यह वैल्यू ग्राउंड पर 0.1 × 1000 mm यानी 100 mm होगा और 100 mm 0.1 मीटर के इक्वल होता है, इसलिए करेक्ट आंसर यहाँ 0.1 मीटर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन मैं देखता हूं। द डिफरेंस बिटवीन द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी इज ऑब्जर्व वैल्यू इज, किसी क्वांटिटी के मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू और उसके ऑब्जर्व वैल्यू के बीच का अंतर होता है, तो इनमें से कौन सा होगा ऑप्शन। प्रोबेबल वैल्यू, प्रोबेबल वैल्यू के बारे में जानते हैं।
यह वैल्यू थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी से निकाला जाता है, ऑब्जर्व वैल्यू ऑब्जर्वेशन के आधार पर निकाला जाता है, ट्रू एरर यह एरर वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू का अंतर होता है, ट्रू वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू का अंतर होता है, रेसिड्यूअल एरर मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू का अंतर होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये रेसिड्यूअल एरर होगा। आगे बढ़ते हैं। छठा है, जियोडेटिक सर्वे इज डिफरेंट फ्रॉम प्लेन सर्वेइंग बिकॉज ऑफ। जियोडेटिक सर्वेइंग प्लेन सर्वेइंग से भिन्न होने का कारण है। सबसे पहले जियोडेटिक सर्वे और प्लेन सर्वेइंग के बीच के अंतर को देखते हैं, दोनों के बीच का अंतर क्या है। डिफरेंस बिटवीन प्लेन सर्वेइंग एंड जियोडेटिक सर्वे। प्लेन सर्वेइंग, पहला, कर्वेचर ऑफ अर्थ को ध्यान में नहीं रखा जाता है। जियोडेटिक सर्वेइंग, कर्वेचर ऑफ अर्थ को ध्यान में रखा जाता है। प्लेन सर्वेइंग, किन्हीं दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को एक स्ट्रेट लाइन माना जाता है। जियोडेटिक सर्वेइंग, किन्हीं दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन को एक आर्क ऑफ द सर्किल माना जाता है। प्लेन सर्वेइंग, 12 किलोमीटर तक की लेंथ को प्लेन सर्वेइंग माना जाता है। जियोडेटिक सर्वेइंग, 12 किलोमीटर से अधिक के लेंथ को जियोडेटिक सर्वेइंग माना जाता है। प्लेन सर्वेइंग, 3 पॉइंट्स को मिलाने से बनने वाले ट्रायंगल को प्लेन ट्रायंगल माना जाता है और बनने वाले एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्री आवश्यक माना जाता है। 3 पॉइंट को मिलाने वाले ट्रायंगल को स्फेरिकल ट्रायंगल माना जाता है और बनने वाले एंगल के लिए स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्रिक आवश्यक माना जाता है। प्लेन ट्रिग्नोमेट्री का ज्ञान होना आवश्यक है, स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री का ज्ञान होना आवश्यक है जियोडेटिक सर्वेइंग में। प्लेन सर्वेइंग 195 स्क्वायर किलोमीटर तक का एरिया एक प्लेन के रूप में माना जाता है, जबकि जियोडेटिक सर्वे में 195 स्क्वायर किलोमीटर से ऊपर के एरिया को जियोडेटिक सर्वेइंग के रूप में माना जाता है। प्लेन सर्वेइंग यह लेस एक्यूरेट और लेस करेक्ट होता है, यह मोर एक्यूरेट जियोडेटिक सर्वे मोर एक्यूरेट और मोर करेक्ट होता है। प्लेन सर्वेइंग यह मेजरिंग टेप ए चेन थ्योरेलाइट आदि जैसे उपकरणों को उपयोग में लाया जाता है। इसमें इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी डिवाइस जीपीएस की मदद ली जाती है। प्लेन सर्वेइंग यह इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया जाता है, जबकि जियोडेटिक सर्वेइंग यह गवर्नमेंट और उसके डिपार्टमेंट द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। प्लेन सर्वेइंग में कर्वेचर ऑफ अर्थ कंसीडर नहीं किया जाता है, इसलिए यहाँ जो राइट आंसर है वो होगा कर्वेचर ऑफ अर्थ। आगे बढ़ते हैं। द एरर ड्यू टू बैड रेंजिंग इज। बैड रेंजिंग के कारण एरर होगा, कम्युलेटिव और पॉजिटिव होगा ये एरर। तो बैड रेंजिंग के कारण दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन सीधी नहीं होगी।
हम जानते हैं जब हम चेनिंग कर रहे होते हैं, अगर लेंथ जो है अगर चेन से बड़ा है तो उस समय हम वहां पर रेंजिंग का सहारा लेते हैं। अगर ये रेंजिंग सीधी नहीं होती है तो लाइन जो होगा क्या होगा, वो मेरा मेजरमेंट लाइन जो होगा वो बड़ा हो जाएगा, तो उस केस में लेंथ बढ़ जाएगी और एरर हमेशा कम्युलेटिव और पॉजिटिव होगा। इसलिए यह करेक्ट आंसर कम्युलेटिव और पॉजिटिव होगा। बैड रेंजिंग, बैड स्टेंसिंग, रॉन्ग अलाइनमेंट हमेशा पॉजिटिव और कम्युलेटिव एरर देते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर पॉजिटिव और कम्युलेटिव होगा। ऑफसेट आर, इसे ऑफसेट को समझने के लिए मैं ऑफसेट और जो है मतलब जो ऑफसेट के इर्द गिर्द जो भी मतलब सर्वेइंग के टर्म है मैं उसे समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए इसे मैं ड्राइंग के माध्यम से समझने का कोशिश करता हूँ। मान लीजिए ये आपका सर्वेइंग, ये प्लॉट है जिसमें सर्वेइंग किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेन स्टेशन की। मेन स्टेशन चेन सर्वे में एक पॉइंट है जहां एक ट्रैवर्स के दो साइड या ट्रायंगल मिलते हैं। ये वाली ए बी सी डी जी ई एफ, इन सभी को जो है आप मेन स्टेशन कह सकते हैं। एक पॉइंट है जहां एक ट्रैवर्स या दो साइड या ट्रायंगल मिलते हैं। यहां दो ट्रायंगल, दो साइड या ट्रैवर्स मिल रहे हैं, आप देख सकते हैं इस फिगर में। ये स्टेशन की बाउंड्री को नियंत्रित करता है। अगर ये ना हो तो ये बाउंड्री जो है मुझे नहीं पता चलेगा कि ये बाउंड्री एक की एक्यूरेसी की बाउंड्री है कहाँ। इन्हें कैपिटल लेटर ए बी आदि से डिनोट करते हैं, ए बी सी आदि से डिनोट करते हैं। आप देख सकते हैं ए बी सी डी जो है मेरा यहाँ जो है मेन स्टेशन है। अब बात करते हैं टाई और सब्सिडरी स्टेशन की। टाई और सब्सिडरी स्टेशन, टाई स्टेशन दो मेन स्टेशन को मिलाने वाले वाली सर्वे लाइन पर एक स्टेशन है। तो दो स्टेशन को मिलाने वाली सर्वे लाइन पर एक स्टेशन है। ये सर्वे लाइन हो गया, ये स्टेशन है ए। ठीक उसी तरह से ये सर्वे लाइन है ए और सी, जो स्टेशन को मतलब मिला रहा है। इसके बीच में ये जो है ये टाई स्टेशन, ये वाला टाई स्टेशन, ये टाई स्टेशन, तो ये सारे के सारे जो है मेरे टाई स्टेशन है। ये सर्वे किए जाने वाले एरिया के इंटीरियर डिटेल का पता लगाने में सहायक होते हैं और इन्हें स्मॉल लेटर ए बी सी आदि से भी नोट करते हैं। ये जितने भी स्मॉल लेटर में है ये टाई स्टेशन है। मेन सर्वे लाइन क्या है? दो मुख्य सर्वे स्टेशन को मिलाने वाली चेन लाइन मेन सर्वे लाइन कहलाती है। ए बी और बी डी मेन सर्वे लाइन के उदाहरण है। आप यहाँ देख सकते हैं ये AC और AD, ये मेन सर्वे लाइन होगा। अब टाई लाइन और सब्सिडरी लाइन की बात कर ले। दो
टाई स्टेशन को मिलाने वाली चेन लाइन को टाई लाइन कहा जाता है। जैसे ए बी और सी डी ऐसे एक्सिलरी लाइन भी कहते हैं। ये इंटीरियर डिटेल का पता लगाते हैं और मेन लाइन से दूर होते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ये वाला जो है टाई लाइन है, ये टाई लाइन है। तो ये सारे जो है इंटीरियर टाई लाइन मिलाने वाले चेन लाइन है, टाई लाइन ए बी और ये इंटीरियर डिटेल का पता करते हैं। ये इंटीरियर डिटेल जैसे यहाँ पॉन्ड है तो ये पॉन्ड के बारे में डिटेल ये बताएंगे। अगर बिल्डिंग होगा तो ये बिल्डिंग के बारे में बताएंगे। यदि कोई पेड़ होगा तो ये पेड़ के बारे में बताएंगे। और यदि कोई वेल है होता है तो इस वेल के बारे में ये डिटेल बताते हैं। आगे बढ़ते हैं। बेस लाइन, यह एक फेयरली लेवल ग्राउंड पर लॉन्गेस्ट मेन सर्वे लाइन है जो कि एरिया के सेंटर से तैयार होकर गुजरती है। यह सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि अन सभी सर्वे लाइंस की दिशा बेस लाइन के रिस्पेक्ट में निश्चित होती है। आप जो है बेस लाइन एडी को बेस लाइन यहाँ कह सकते हैं। इसके आधार पर जो है ये सारे लाइन बेस्ड करता है। अगर चेक करना हो तो इसके आधार पर ये चेक किया जा सकता है। चेक लाइन, चेक लाइन ट्रूफ लाइन है जो वर्क की एक्यूरेसी की जांच के लिए होता है। चेक लाइन को मेजर लेंथ और कंप्यूटेड वैल्यू स्केल ऑफ द प्लान एक ही होना चाहिए। एडी यहाँ चेक लाइन है, यहाँ चेक लाइन एडी है। ऑफसेट जो क्वेश्चन में है उसका आंसर ये है। ऑफसेट यह सर्वे लाइन या चेन लाइन से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। यह परपेंडिकुलर या ऑब्लिक हो सकता है। आठवां है चेनेज, यह स्ट्रेट पॉइंट से एक वेल डिफाइंड पॉइंट की दूरी है। वेल डिफाइंड जैसे मान लिया जाए स्टार्टिंग पॉइंट जैसे मेरा 45.00 स्टार्टिंग पॉइंट मैंने लिया तो ये जो वेल डिफाइंड पॉइंट जो है मेरा 45.10 भी हो सकता है या 4600 भी हो सकता है। तो ये जो हो गया ये मेरा चेनेज कहलाएगा या स्टार्टिंग पॉइंट एक वेल डिफाइंड पॉइंट की दूरी है तो ये चेनेज होता है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एस्टिमेंट इज जनरली यूज फॉर बेस लाइन। बेस लाइन क्या होता है? बेस लाइन के आधार पर सारे के सारे लाइन जो है निर्भर करते हैं तो उसे एक्यूरेट होना चाहिए। तो यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में से किस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग समानता बेस लाइन को मेजर करने के लिए किया जाता है? चेन, मेटेलिक टेप, स्टील टेप, इनवार टेप। चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं कि ये किस लिए यूज होता है। क्लोथ और लाइनन टेप, सबसे पहले बात कर ले क्लोथ और लाइनन टेप की। यूज फॉर सब्सिडरी मेजरमेंट, वेरी लाइट और इजी टू हैंडल मे बी इफेक्ट बाय मॉइस्चर। ये आप क्लोथ और लाइनन टेप है, इसके बारे में ये डिटेल है। मेटेलिक और मेट्रिक स्टील टेप, मेड ऑफ ऑफ स्टील, आउटर इंड इज प्रोवाइडेड विथ रिंग फॉर होल्डिंग। मेट्रिक स्टील टेप, मेड ऑफ ऑफ स्टील,
आप ये दूसरा देख सकते हैं, ये वाला यूज फॉर हाई प्रिसाइजन वर्क, ये तीसरा वाला इन्वर्टेड मेड अप ऑफ एलॉय और स्टील, ये है, और सिंथेटिक टेप मेड अप ऑफ फाइबर पीवीसी कोटिंग, दीज आर यूज फॉर शॉर्ट मेजरमेंट्स, ये वाला है। इसके अलावा यहाँ आप चेन को देख सकते हैं, तो इसमें जो है प्रिसाइजन वर्क के लिए, हाई प्रिसाइजन वर्क के लिए आप देख सकते हैं ये इनवार टेप है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर यहाँ इनवार टेप होगा, जो कि यहाँ है डी इनवार टेप। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, एन इनवार टेप इज मेड अप ऑफ एलॉय ऑफ, इनवार टेप किस एलॉय से बना होता है, निकिल और स्टील, इनवार टेप मेड ऑफ निकिल और स्टील से बना होता है। आगे 11 क्वेश्चन है, नंबर ऑफ लिंक्स इन 30 मीटर मैट्रिक चेन, 30 मीटर मैट्रिक चेन में कितने लिंक है, चलिए इसे समझते हैं। ऊपर दिखाए गए पिक्चर में दो लिंक को दिखाया गया है, जिसमें एक हैंडल से अटैच है और दूसरा मिडिल से अटैच है। आप देख सकते हैं ये वाला जो है हैंडल से अटैच है और ये वाला जो है मिडिल में, ये मिडिल में कोई भी हो सकता है। जो लिंक हैंडल से अटैच होगा वह लिंक छोटा होगा, आप यहां देख सकते हैं हैंडल से जो अटैच है ये लिंक छोटा है, और जो मिडिल में होगा वह लिंक बड़ा है। यहां पर आप देख सकते हैं मिडिल वाला यहां बड़ा है, इसलिए छोटे वाले लिंक दो होंगे और सारे बड़े वाले लिंक होंगे, क्योंकि हैंडल के पास है तो दोनों हैंडल के तरफ जो होगा दो लिंक होगा, और बाद वाले जो होंगे वो बड़े लिंक होंगे। छोटे वाले लिंक के लिए अब हम बात कर ले, छोटे वाले लिंक के लिए 74.5 मैंने रखा हैंडल लेंथ 74.5। अगर हम यहां से यहां तक की बात करें तो ये 74 प्लस माइनस 1 है, तो इसको हम 74.5 रखते हैं। उसके बाद रिंग है, रिंग जो होगा यहाँ आप देख सकते हैं रिंग का डायमीटर 13 mm है, तो ये 13 mm हो गया। अब यहाँ स्मॉल लिंक, ये रिंग हो गया स्मॉल लिंक, स्मॉल लिंक ये है 93 प्लस माइनस 1 है, तो मैंने 93 ही रखा राउंड में। और उसके बाद मैंने फिर ये रिंग का डाया लिया, ये 13 हो गया। उसके बाद फिर जो है यहाँ पर इसके लिए मैंने हाफ रिंग लिया, इसके लिए हाफ रिंग लिया, तो इसलिए 6.5। ये सबको यदि मैं सम करता हूँ तो ये 200 mm आया हुआ, यानी 20 cm हुआ। वही मैं बड़े वाले लिंक की बात करूं, बड़े वाले लिंक के लिए हम यहां से शुरू करेंगे, तो ये हाफ होगा, तो 0.5 रिंग। उसके बाद
उसके बाद 13 हो जाएगा मेरा ये वाला 161 प्लस माइनस 1, मैंने यहाँ 161 लिया, 13 ये वाला रिंग हो गया। और इसके बाद जो है 6.5 जो होगा मेरा, इसके लिए होगा 50। तो टोटल जो समेशन होगा यहाँ सारे का 200 mm होगा। आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब यह है कि हर एक 200 mm में लिंक होगा। यहाँ चेन की लंबाई 30 मीटर यानी कि 30,000 mm है, इसलिए कुल लिंक की संख्या 30,000/200 यानी कि 150 होगा। आगे बढ़ते हैं। रेंजिंग इज ए प्रोसेस ऑफ, रेंजिंग दो एक्सट्रीमिटी के बीच का स्ट्रेट लाइन में चेन को एलाइन करने की प्रक्रिया है। चेन की लंबाई से अधिक सर्वे या चेन लाइन की लंबाई को मापने के लिए हमें इंटरमीडिएट पॉइंट को फिक्स करने या एस्टेब्लिश करने की आवश्यकता है होती है। इस प्रक्रिया को हम रेंजिंग कहते हैं। अब मान लिया जाए ये लेंथ है, और ये लेंथ जो है क्या होती है, ये चेन से यदि बड़ी होती है तो उस केस में चेन की मदद से इस लेंथ को यदि मेजर करना होता है तो हम क्या करते हैं, रेंजिंग का सहारा लेते हैं। आप ये देख सकते हैं यहाँ रेंजिंग रड है, तो रेंजिंग रड में हम जो है इसके मदद से जो है इसके मदद से हम इस रड की ओर देखते हैं और ये देखते हैं कि ये दोनों रड ओवरलैप कर रहे हैं कि नहीं, तो इस प्रोसेस को ओवरलैप कर रहा है कि नहीं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेंजिंग कहते हैं, जिसमें सारे के सारे जो होते हैं रेंजिंग रॉड एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं। और ये तीनों जो है इस व्यक्ति को ये तीनों एक सीध में दिखेगा, तो उस केस में जो है रेंजिंग एक्यूरेट होता है और जो है सर्वे लाइन भी मेरी सीधी होती है, डिस्टेंस एक्यूरेट होगा। आगे बढ़ते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट इज यूज्ड इन सर्वे बिकॉज सर्वेइंग में वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट करने के प्रिंसिपल का यूज किया जाता है, क्योंकि होल टू पार्ट मेथड से कार्य करने का मेन आइडिया इरर को लोकलाइज करना और उनसे प्रिवेंट करना है। ठीक इसके विपरीत हम पार्ट टू होल कार्य करते हैं तो इरर एक्यूमुलेट होती है और सर्वे के साथ ये बढ़ता चला जाता है और सर्वे के लास्ट में यह अनकंट्रोलेबल हो जाता है। इसे एक सिंपल एग्जाम्पल को लेकर समझाया जा सकता है। चलिए मान लेते हैं हमें ए बी 120 मीटर के लेंथ को 20 मीटर चेन से मेजर करना है। हम इस डिस्टेंस को छोटे छोटे पार्ट में मेजर करेंगे, कारण कि सर्वे लेंथ चेन से बड़ा है। सर्वे लेंथ मेरा जो है 120 है जबकि चेन 20 है। यहाँ इसका मेजरमेंट हम रेंजिंग के द्वारा लेंगे।
अब रेंजिंग के द्वारा मैंने लिया उसका मेजरमेंट। इस मेजरमेंट को लेने का यहाँ दो विकल्प है, पहला होल टू पार्ट यहाँ ए बी पॉइंट को मेजर करके फिक्स कर लिया जाता है। अब जो है पहले ही हम ए और बी को फिक्स कर लेंगे कि ये जो है 120 मीटर है, इसकी डिस्टेंस मेरी फिक्स है। सी डी ई पॉइंट ए बी पॉइंट के रिस्पेक्ट में मेजर किया जाएगा। अब ये जितने भी पॉइंट है सी डी ई एफ जी, ये जो पॉइंट होंगे ये ए बी के आधार पर निर्धारित किया जाता है, जो कि एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे यदि इधर डी में हो, और ये जो है एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे यदि इधर मान लिया जाए डी में होता है। यदि मैंने डी डैश में डी के जगह डी डैश हो गया तो सी और ई को फर्क नहीं पड़ेगा, तो उस केस में जो होगा ये सी ई एफ और जी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इधर बड़े पैमाने पर नहीं होगा, इधर केवल डी में ही होगा। आगे बढ़ते हैं, अब पार्ट टू होल की बात कर ले तो इसमें इस मेथड में ए बी का छोटा पार्ट ए बी का जो है ये ए बी है, ए बी का छोटा पार्ट क्या है, ए सी है, सी डी है, डी ही है, तो ए बी का छोटा पार्ट ए सी है, पहले मेजर किया जाएगा उसके बाद सी डी। अब ये कंटिन्यूअसली पहले ए बी मेजर किया गया तो इसमें वो सी डैश हो गया, फिर सी डी मेजर किया गया तो यहाँ से एक्चुअल में सी यहाँ है लेकिन जो मेजर किया गया वो सी डैश पर मेजर किया गया, तो डी मेजर को कुछ यहाँ किया जाएगा, फिर ई डैश मेजर कुछ यहाँ किया जाएगा। ऐसे करते हुए ये भी आप देख सकते हैं इसमें एरर कितनी अधिक बढ़ चुकी है, यहाँ डी भी मेजर किया जाएगा, अब सी की जगह सी डैश पॉइंट होता है तो यह बढ़कर डी के जगह डी डैश, E के जगह E डैश, F के जगह F डैश और G के जगह G डैश और लास्टली B के जगह B डैश, जो कि बहुत बड़ा एरर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर जो है द प्रिंसिपल होल टू पार्ट इज यूज फॉर सर्वेइंग बिकॉज, तो इसका सही ऑप्शन होगा एक्युमुलेट एरर्स इज प्रिवेंटेड, ये ऑप्शन होगा, एरर्स इसमें प्रिवेंट होता है, एक्युमुलेशन ऑफ एरर प्रिवेंट मतलब जमा नहीं होता है एरर, छोटा छोटा एरर ही होता है इस केस में। आगे बढ़ते हैं, फिगर 2.1 यानी कि ये फिगर 2.1 शोज वन ऑफ द ब्रास टैलीज ऑफ ए 30 मीटर चेन, डिस्टेंस ऑफ दिस टैली फ्रॉम द नियरेस्ट एंड ऑफ द चेन। फिगर 2.1 में 30 मीटर वाले चेन के ब्रास के टैली को दिखाया गया है। इस टैली का चेन के नियरेस्ट एंड से डिस्टेंस कितना होगा, चलिए इसे जानने के लिए हम इन सारे फिगर को देखते हैं जो नीचे में बना है। यदि हम देखेंगे एवरी मीटर में ये ब्रास रिंग को हम फाइंड करेंगे, यदि चेन को ध्यान से देखिए तो एवरी मीटर में मुझे ऐसा रिंग दिखेगा, एवरी 5 मीटर लेंथ में मुझे इस तरह का रिंग दिखेगा और एवरी 10 मीटर लेंथ में मुझे इस तरह का रिंग दिखेगा और टैली एट 15 मीटर लेंथ में मुझे ऐसा दिखेगा यहाँ पर।
मेरा यहाँ जो आंसर होगा ये यहाँ 10 मीटर होगा, ये टैली एवरी 10 मीटर क्या होगा आपको ऐसा दिखेगा। तो राइट आंसर मेरा यह बी होगा। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग चेनिंग एलोंग ए स्ट्रेट लाइन द लीडर ऑफ द पार्टी हैज 4 एरो इन हिज हैंड व्हाइल द फॉलोअर हैज 6। डिस्टेंस ऑफ द फॉलोअर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट इज। एक स्ट्रेट लाइन में चेनिंग लगाने के दौरान यदि पार्टी के लीडर के हाथ में 4 एरो है और फॉलोअर के हाथ में 6 है, प्रारंभिक बिंदु से फॉलोअर की दूरी कितनी होगी? चलिए इसे समझते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट को छोड़कर हर एक चेन लेंथ के बाद एक एरो फॉलोअर द्वारा ग्राउंड में इंसर्ट किया जाएगा, जो कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। तो स्टार्टिंग पॉइंट को हम यदि छोड़ दें तो फॉलोअर द्वारा एक एरो, दो एरो, तीन एरो, चार एरो, पांच एरो, 6 एरो जो कि क्वेश्चन में है, 6 और इंसर्ट किया जाएगा। यहाँ पर हम देखा जा सकता है, सर्वे लाइन एरो द्वारा डिफरेंट सेगमेंट में बांटा गया है और हर एक सेगमेंट एक चेन है, या एक चेन के इक्वल होगा यहाँ, और चेन की लंबाई जो है चेन की लंबाई आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ जो है चेन की लंबाई कह लीजिए तो, या फिर यहाँ 6 चेन कह लीजिए तो जो मेरा सर्वे लाइन होगा वो 6 चेन के इक्वल होगा, यानी कि इसका बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। अब जो है ये एरो के बारे में जान लेते हैं कुछ, कि एरो होता क्या है। एरो बेसिकली आप ये पिक्चर देख सकते हैं, इस शेप का होता है। यहाँ 4 mm डाया का जो है आप देख सकते हैं, ये स्टील होता है 4 mm डाया का, और इसकी जो होती है लंबाई अगर हम बात कर ले इस टिप से इस एंड तक, इसकी लंबाई आप देख सकते हैं 400 mm प्लस माइनस 5 mm, ये होता है चलेबल होता है। तो इसकी लंबाई आप यहाँ देख सकते हैं, हाइट कह लीजिए इसको। इन्हें जो होती है इन्हें चेनिंग पिन कहा जाता है। इनका उपयोग सर्वे के दौरान प्रत्येक चेन के अंत को चिन्हित करने के लिए किया जाता है। ये 400 mm डायमीटर के कठोर 4 mm सॉरी 4 mm डायमीटर के कठोर और टेम्पर्ड स्टील के वायर से बने होते हैं। आप इन्हें स्टील वायर जो कि 4 mm का है और टेम्पर्ड स्टील है, हार्ड होता है ये। एरो की लंबाई 400 mm होती है। ये एक सिरे पर नोकीली, आप यहाँ देख सकते हैं एक सिरे पर नोकीली, जबकि एक एंड पर सर्कुलर रिंग बनता है, ये सर्कुलर रिंग है। हर एक चेन लेंथ के बाद फॉलोअर द्वारा एरो ग्राउंड में सेट किया जाता है, जैसा कि क्वेश्चन में मैंने बताया, जिससे नंबर ऑफ मेजर चेंज निकाला जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। मेटेलिक टेप इज मेड अप ऑफ, मेटेलिक टेप जो बना होता है क्लॉथ और वायर से। आगे बढ़ते हैं।
फॉर वेल कंडीशन ट्रायंगल नो एंगल शुड बी लेस देन। वेल कंडीशन ट्रायंगल के लिए कोई एंगल जो है वो 30 डिग्री से छोटा नहीं होना चाहिए। वेल कंडीशन ट्रायंगल के लिए कोई भी एंगल 30 से कम नहीं होना चाहिए और 120 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यदि सारे के सारे एंगल 60 डिग्री के इक्वल होते हैं तो उन्हें आइडियल ट्रायंगल कहते हैं। यदि कोई एंगल 30 से कम होता है तो उन्हें यील्ड कंडीशन ट्रायंगल कहते हैं। तो इसलिए यहाँ जो है ऑप्शन सही ऑप्शन बी होगा 30। एटीन क्वेश्चन। फिगर 2.2 शोज द एंट्रीज इन ए फील्ड बुक फॉर चेन लाइन ए बी। व्हाट इज द एंगल बिटवीन चेन लाइन एंड रेलवे लाइन। फिगर 2.2 में फील्ड बुक में ए बी लाइन के एंट्रीज को दिखाया गया है। यहाँ चेन लाइन और रेलवे लाइन के बीच एंगल कितना होगा, चलिए इसे देखते हैं। चेन लाइन और रेलवे लाइन, इस फिगर के हम यदि लेफ्ट साइड में देखते हैं तो कुछ ऐसा ट्रायंगल यहां हमको दिखेगा। ये 3 होता है, यहां से यहां ये 3 होगा। अगर इसकी बात करें तो ये वाला भी 3 होगा यहां। तो अब मुझे इस एंगल के बारे में फाइंड करनी है, मुझे ये एंगल के बारे में मुझे फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, ये 3 है और ये भी 3 है, तो tan थीटा जो होगा परपेंडिकुलर बाय बेस होगा, जो कि सॉल्व करने पर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री होगा। तो इसका जो है राइट ऑप्शन 45 डिग्री होगा। मैं आगे बढ़ता हूँ। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ट्रीज T1 एंड T2 इन फिगर 2.2। अब इसे जो है मैंने इस फिगर में मैंने चेंज कर दिया इसे, तो एक्चुअल में ये है क्या, ये 9 है और ये 5 है। यहां से यहां तक यदि आप इसको वॉच करें तो यहाँ क्या है, ये यहाँ से 5 है और ये यहाँ से 2 है। इसको यदि ज्वाइन करेंगे तो ये इसका हाफ न्यूज होगा। जस्ट यही फिगर जो है ये यहाँ बना है। यहाँ ब्लू कलर के ट्रायंगल में परपेंडिकुलर 9-5 4 मीटर होगा। ब्लू कलर का जो ट्रायंगल है परपेंडिकुलर जो होगा यहाँ 9 ये वाला -5 ये 4 होगा, और ये जो है बेस जो होगा वो 5-2 3 होगा। अब यहाँ से यहाँ तक 5 है, तो यहाँ जो है ये वाला बेस भी ट्रायंगल का अगर ये करें इसकी बात करें ये यहाँ 3 होगा। अब हम
यहाँ देखें, यहाँ T1 T2 का डिस्टेंस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज होगा, ये वाला जो है मेरा हाइपोटेन्यूज होगा ट्रायंगल का। तो एच मुझे निकालनी है यहाँ, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करते हुए एच की वैल्यू यहाँ 5 मीटर होगा, ये 5 मीटर मेरा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, द पोजिशन ऑफ पॉइंट कैन बी फिक्स्ड मोर एक्यूरेटली बाई क्रॉस स्टाफ ऑप्टिकल स्क्वायर ऑब्लिक ऑफसेट और परपेंडिकुलर ऑफसेट। चलिए इसे समझते हैं बारी बारी से कि इन सभी के अंदर होता क्या है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ओपन क्रॉस स्टाफ को, फ्रेंच क्रॉस स्टाफ को, एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ। ओपन क्रॉस स्टाफ में क्या है, ओपन क्रॉस स्टाफ सिंपल क्रॉस स्टाफ होता है, ये दो पेयर वर्टिकल सील्ड होते हैं, इसमें दो पेयर वर्टिकल सील्ड होते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं वर्टिकल सील्ड जो होगा एक यहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा और यहाँ, ये वर्टिकल सील्ड होता है। और ये जो है आई वाला मतलब होता है, जिधर से हम देखते हैं इस सील्ड को, सील्ड की तरफ देखते हैं ओपन, और यहाँ से भी हम देख सकते हैं, यहाँ हम आई रख के इस सील्ड को हम देखते हैं, वर्टिकल सील्ड होते हैं। 90 डिग्री पर लाइन सेट की जा सकती है, इससे हम 90 डिग्री का लाइन सेट कर सकते हैं। फ्रेंच क्रॉस स्टाफ और ऑक्टागोनल ब्रास ट्यूब इस ऑक्टागोनल ब्रास ट्यूब होती है, यह ऑक्टागोनल ब्रास ट्यूब होती है और इसके 8 साइड में सिल्ट होती है। यहाँ ये जो है 45 डिग्री के डिग्री पर लाइन को सेट कर सकता है, 45 डिग्री का सर्वे लाइन को ये सेट कर सकता है। तो हम बात कर रहे हैं फ्रेंच क्रॉस स्टाफ की, तो आप देख सकते हैं ये जो है मेरा ऑक्टागोनल होता है, तो ऑक्टागोनल की यदि हम बात करें तो यहाँ पर ऊपर से जो है मुझे कुछ इस ढंग से ये दिखेगा, एक साइड वाला होता है, तरह से ये दिखेगा। तो चूंकि 8 यहाँ 8 साइड होती है, तो हर एक साइड जो है अगर हम 360 को 8 से डिवाइड करते हैं तो ये 45 डिग्री, हर एक साइड जो है वो एक साइड दूसरे साइड से 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। अगर सेंटर से उसका एंगल को मेजर करेंगे, अगर ये वाला इसके परपेंडिकुलर है इस साइड के, ये वाला लाइन इसके परपेंडिकुलर है इस साइड के, तो ये दोनों लाइन जो है आपस में जहाँ मिलेंगे वहाँ 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो ये जो है 45 डिग्री वाले सर्वे लाइन को खींचने में सक्षम होते हैं। सबसे लेटेस्ट जो क्रॉस स्टाफ है वो एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ है, जहाँ किसी भी डिजायर एंगल को सेट कर सकते हैं। इसमें हम 45 डिग्री का एंगल 45 डिग्री के एंगल तक को सेट कर सकते हैं, 45 हो सकता है, 90 डिग्री हो सकता है और 135 डिग्री हो सकता है, तो इस तरह के एंगल को इसमें सेट कर सकते हैं। लेकिन एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ में हम किसी भी डिग्री के एंगल को सेट कर सकते हैं। यहाँ राइट एंगल लाइन को सेट करने के लिए
अच्छा ये ऑप्टिकल स्क्वायर की हम बात कर रहे हैं, यह राइट एंगल लाइन को सेट करने के लिए किया जाता है और यह ओपन क्रॉस स्टाफ से बेहतर है। ये ऑप्टिकल स्क्वायर जो है राइट एंगल को सेट करने के लिए किया जाता है। अब इन दोनों का यदि कंपेयर करें, इन दोनों का कंपेयर करेंगे तो ऑप्टिकल स्क्वायर को हम बेहतर पाएंगे। यह 50 mm डाया सिलेंड्रिकल बॉक्स होता है, ये सिलेंड्रिकल बॉक्स है होगा और हाइट डेप्थ जो होगा, हाइट कह लीजिए या डेप्थ कह लीजिए, वो 12.5 mm का होगा। ये वाला जो है 12.5 mm का होगा। आगे बढ़ते हैं। परपेंडिकुलर ऑफसेट की हम बात करेंगे तो परपेंडिकुलर ऑफसेट जो होता है, जब लैटरल मेजरमेंट चेन लाइन के परपेंडिकुलर लिया जाता है तो उसे परपेंडिकुलर ऑफसेट कहते हैं। जब लैटरल मेजरमेंट चेन लाइन के परपेंडिकुलर लिया जाता है तो यहाँ पर जो है परपेंडिकुलर ऑफसेट ये हो गया। दूसरा में है ये पहले की बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट से चेन लाइन तक टेप को घुमाकर परपेंडिकुलर सेट करके यहाँ टेप पर न्यूनतम पढ़ने को पॉइंट परपेंडिकुलर का आधार होगा। तो यहाँ टेप को घुमाकर देखेंगे तो टेप के घुमाकर देखने से यहाँ पर जो रीडिंग जो होगा वो मेरा न्यूनतम होगा, ये छोटा रीडिंग, ये यहाँ जो है स्मॉलेस्ट रीडिंग मेरी होगी, स्मॉलेस्ट रीडिंग। ये जो है दूसरा इसका तरीका है 3-4-5 के अनुपात पर सेट करना। यदि कोई यहाँ टेप मेजरिंग टेप को पकड़ा है तो मान लिया जाए ये सबसे इनिशियल स्टेज में पकड़ा है तो ये वाला पकड़ेगा मान लिया जाए 3 मीटर पर, ये फिर फर्दर होगा ये 8 मीटर पर, और ये जो है यहाँ पर जो होगा वो जो होगा आर्चर 12, ये 12 मीटर पर। तो इस तरह से यहाँ रेशियो मतलब सेट किए करके जो है हम लोग राइट एंगल को सेट करते हैं। तो अब बात करते हैं सी, बिल्डर स्क्वायर और ट्राई स्क्वायर, इसे ट्राई स्क्वायर कहते हैं। आप देख सकते हैं ये परफेक्टली 90 डिग्री पर डिजाइन किया जाता है और इसकी मदद से हम राइट एंगल को सेट करते हैं। क्रॉस स्टाफ या ऑप्टिकल स्क्वायर द्वारा राइट एंगल यहां सेट हो रहा है, आप देख सकते हैं ये ऑप्टिकल स्क्वायर है। इस ऑप्टिकल स्क्वायर से के मदद से एक सर्वेयर जो है ये राइट एंगल को, यहाँ ये सर्वे लाइन है, ये वाली भी सर्वे लाइन है, ये राइट एंगल को सेट कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। ऑब्लिक ऑफसेट, ऐसा ऑफसेट जो चेन लाइन पर परपेंडिकुलर ना हो ऑब्लिक ऑफसेट कहलाता है। ऑब्लिक ऑफसेट तब लिया जाता है जब ऑब्जेक्ट चेन लाइन से लंबी दूरी पर होता है और जब कुछ कठिनाइयों के कारण राइट एंगल सेटअप करना संभव नहीं होता है तो उस समय जो है ऑब्लिक ऑफसेट किया जाता है। यहाँ पर जो है हम देख सकते हैं यहाँ ये वाली जो है ऑब्लिक ऑफसेट है, ये मेरी चेन लाइन होगी। निम्नलिखित कारणों से परपेंडिकुलर ऑफसेट को प्राथमिकता दिया जाता है। अब जो है परपेंडिकुलर ऑफसेट क्यों मतलब लिया जाता है उसका ये रीजन है। परपेंडिकुलर ऑफसेट जो होता है वो जल्दी लिया जाता है, वो जल्द से जल्द मतलब कि ले सकते हैं उसे। सर्वे की प्रगति में बाधित नहीं और ये सर्वे को बाधित नहीं करता है क्योंकि इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है, कोई टूल्स की जरूरत ना ही फ्रेंच करंट की जरूरत होती है ना किसी इन सारे इक्विपमेंट की जरूरत नहीं होती है जैसे बिल्डिंग
बिल्डर्स स्क्वायर की जरूरत नहीं होती है, ना क्रॉस स्टाफ की जरूरत होती है। तो ये जो होता है वो डायरेक्टर टेप की मदद से होता है। तो यहाँ पर जो है सर्वे की प्रगति में बाधित नहीं होती है, फील्ड बुक एंट्री आसान हो जाती है और ऑफसेट की प्लॉटिंग भी आसान हो जाती है। तो यहाँ पर जो है द पोजिशन ऑफ पॉइंट कैन बी फिक्स मोर एक्यूरेटली देन, तो परपेंडिकुलर ऑफसेट से जो है हम मोर एक्यूरेटली ढंग से पॉइंट को फिक्स कर सकते हैं। तो इसलिए राइट आंसर इसका डी होगा, परपेंडिकुलर ऑफसेट। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।